नमस्कार, आपका स्वागत है चांगलांग 24x7 में। मैं आज आपको राजनगर 2 लेकर आया हूँ। चांगलांग में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसी के अंतर्गत मुझे वांगजुन हाकुन राजनगर 2 का एक युवक मिला जो केवल 19 वर्ष का है और अपने बलबूते पर ड्राइंग और पेंटिंग सीखा। वो कहता है कि वो ड्राइंग एंड पेंटिंग यूट्यूब के मदद से एक वर्ष के अंदर सीखा और उसी का आज मैंने सोशल मीडिया पर पेंटिंग देखा। इस कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि उसका पेंटिंग बहुत ही सुंदर था। तो इस कारण से आज मैं आपको उसका एक इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ। तो आप बने रहिए चांगलांग 24x7 के साथ और इस युवक को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि पहला अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वांगजुन हाकुन और मैं 19 साल का हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कॉलेज में नमसाई बेथनी कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का हूँ, बीए कोर्स कर रहा हूँ। तो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? मेरा स्कूलिंग जयरामपुर से आसम रेफल, फिर हायर सेकेंडरी वहाँ से हुआ है, जयरामपुर से। ओके, ठीक है। तो आप जो आपका जो आज सोशल मीडिया में जो पिक्चर वायरल हो रहा है, आपका ड्राइंग्स वायरल हो रहा है, उसके विषय में आप कुछ बताइए। वो आपका फोटो किस तरह से सोशल मीडिया में गया? क्या आपने किसी को शेयर किया था या फिर किसी फ्रेंड ने उसे डाला? नहीं नहीं वो यूट्यूब में मैंने डाला था क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा वीडियो आ रहा है, तो हम भी ट्राई करेगा सोच के हमने डाला था, तो कुछ वीडियो वायरल हो रहा है अभी। बहुत अच्छा। तो आप ये जो आर्ट जो कहाँ से सीखे थे आप? ये भी यूट्यूब से ही सीखा था मैं, और बचपन से तो इतना शौक नहीं था, लेकिन एक साल ऐसा पूरा हो गया कि मैं ड्राइंग करने के लिए अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपका जो पेंटिंग पैटर्न है वो किस तरह का है? ऑयल पेंट है या फिर किस तरह से? पेंटिंग भी बहुत तरह का होता है, तो आप किस शैली को अपनाते हैं? अभी फिलहाल मैं पेंसिल स्केचेस कर रहा हूँ और कलर्ड पेंसिल से ज़्यादा करता हूँ, ऑयल पेंटिंग में नहीं गया अभी तक। जी। तो अभी आपका पिक्चर भी हम लोग देखेंगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो साथ में और कुछ बताइए, जैसे कि इसमें पिताजी माँ पिताजी का योगदान किस तरह से है? वो भी अभी पूरा सपोर्ट करते हैं मैंने आगे बढ़ने के लिए, और जैसे कुछ हमको सामान चाहिए तो वो लोग ही खरीद देते हैं सब कुछ। वो लोग ही खरीद देते हैं। तो क्या आप अपना जो पेंटिंग्स से क्या कोई और आके आपको बोलता है कि एक पेंटिंग्स बना दीजिए, इस तरह से भी आता है क्या कोई? जी, ऑर्डर्स आते हैं। आता है, ऑर्डर्स आता है, वेरी गुड। आप अभी तक मतलब आपने कुछ बेचा है अपना पेंटिंग? हाँ, ऐसे मैंने मार्केट में नहीं भेजा, लेकिन तो आप क्या बोलना चाहते हो? आप जैसे छुपा हुआ हिडन जो हम लोग नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को देखने को मिलता है, तो आप इसे क्या बोलना चाहते हो अपने समाज को, सोसाइटी को, कि आप जैसे टैलेंट को पहचाने और उनको मदद करें, क्या बोलना चाहते हो इस विषय में? आप जैसे और भी बच्चे होंगे जो जिनको जिनको मतलब इस तरह का, आपका तो पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया, किसी का तो सपोर्ट भी नहीं करता है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? पर टैलेंट है बच्चे में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जी, बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस पढ़ाई में ध्यान ना दें, अलग बच्चा का अलग टैलेंट होता है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। टाइम लगेगा लेकिन बाद में आपको फल ज़रूर मिलेगा। मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो आपका एक्स्ट्रा टैलेंट है जी, उसमें जी भी ध्यान देना है। जी, और कुछ बोलना चाहते हो अपने विषय में बताइए। आपका हॉबीज क्या था छोटे से? मेरा हॉबीज पहले तो ऐसे फुटबॉल खेलता था, उसके बाद अभी ड्राइंग ड्राइंग और गाना सुनते। तो अभी जब आपका ड्राइंग्स देखता है तो आपका फ्रेंड सर्कल्स में किस तरह से वो लोग किस तरह से आपको ट्रीट करता है, पहले और अभी में चेंजेस कुछ आया होगा?
नहीं चेंजेस तो नहीं है दोस्तों, वही है सेम है अभी बस। थोड़ा तारीफ करता हाँ होगा। तारीफ तो करते हैं ओके, आप जी, ड्राइंग्स बना रहे हो, इतना सुंदर बना रहे हो, तो वो आके क्या बोलता है आपको? मेरा भी बना दो मेरा भी बना दो बोलता है। जी। और कुछ और बताना चाहते हैं आप? हाँ बस नहीं हमें तो। नहीं। हाँ जी ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।